देवराज अंगराल प्रेसिडेंट ऑल जे एंड के डॉक्टर अम्बेडकर वेलफेयर फोरम। पहले तो मैं आए हुए मीडिया बंधुओं का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है, ये हम तीन संस्थाएं मिलकर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। पहली तो जैसे डॉक्टर ऑल जे एंड के डॉक्टर अम्बेडकर वेलफेयर फोरम, दूसरा श्री गुरु रविदास सभा राजपुर मगोत्रे, तीसरा श्री गुरु रविदास वेलफेयर फोरम जम्मू, जिसके प्रधान श्री तरसेम लाल लोचन जी हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही वार्निंग इशू है कि जो के 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट जी की तरफ से एक निर्णय यानी कि फैसला आया है, जिसमें क्रीमी लेयर और कोटे में कोटा का जिक्र किया गया है, जो कि हमारे दलित समाज के हित में नहीं है। तो इसी सिलसिले में हमारे जो भारत के भिन्न भिन्न संस्थाएं हैं, इन्होंने भारत बंद का 21 अगस्त 2024 को भारत बंद का कॉल की हुई है। हम भी उसको पूरा समर्थन करते हैं, क्योंकि वो हमारे हित में नहीं है। योगे सुप्रीम कोर्ट जी ने 1 अगस्त 2024 को जो अपना फैसला दिया है, उसके विरोध में उसका विरोध करते हैं और भारत बंद का हम पूरा पुरजोर समर्थन करते हैं, क्योंकि उस फैसले की वजह से हमारी आपस में ही लड़ाई फूट पड़ जाएगी, क्रीमी लेयर और कोटे में कोटा। तो उस वो हमें सूट नहीं करता है। हम तो यही चाहेंगे जैसे ऑलरेडी आगे चल रहा था वैसे ही, और ख़ास तौर पे ये संविधान की धारा 343 के विरुद्ध में है। तो हम चाहते हैं कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो इसको सीधी से बात करें। और जैसे कि हमें ये भी सुनने को मिला है कि हमारे SC ST के काफ़ी मेम्बरान जो पार्लियामेंट मेंबर हैं, वो हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी को मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दवाया है कि हम इसको नहीं लागू होने देंगे। पर लेकिन नहीं, हम बड़ी बात ही जानते हैं कि क्योंकि काफ़ी दफ़ा जो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू वादे किए गए हैं कि वो फुलफिल नहीं हुए हैं, तो लिहाजा हम चाहते हैं कि इसको अपनी जमा बुलाया जाए, जैसे कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए पार्लियामेंट का, जिसमें इसका बिल के तौर पर लाया जाए और इसकी अमेंडमेंट की जाए और ये कंटिन्यू हमारा जैसे था वैसा ही हमारा रिजर्वेशन रहनी चाहिए, उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए और ना ही इसमें कोई चेंज होनी चाहिए। तो मैं फिर आपके माध्यम से अपने जितने भी SC ST समाज के लोग हैं, उनसे अपील करता हूँ कि वे अपने घरों से बाहर निकलें और जो 21 अगस्त 2024 को भारत बंद की कॉल है, उसको सुपूर्ण करें और अपने आने वाले बच्चों का भविष्य को महफूज करें। जय भीम, जय भारत। बाकी जो है मुझे हमारा SC को 15% रिजर्वेशन मिले, जो कि जम्मू कश्मीर में 8% है। इवन कि जम्मू कश्मीर में इसको जैसे जब से UT बनी तो उस टाइम UT के रूल लागू होने चाहिए थे, यहाँ पे 15% होनी चाहिए थी, ऐसा हुआ नहीं। हमें सिर्फ उस टाइम लॉलीपॉप दिया कि आपको सारी सुविधाएं जो है UT वाली मिलेंगी, बाकी सारे स्मार्ट मीटर वगैरह तो हमें UT वाले दे दिए, लेकिन हमें ये जो 15% रिजर्वेशन देनी थी ये नहीं दी। उसके बाद ये रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन क्या है कि एक भाई को दूसरे से लड़ाने की पॉलिसी है कि आप अच्छा इनकी पॉपुलेशन इतनी है तो उनको इतना परसेंट दे दीजिए, जो 8% है उसको भी डिवाइड करें अंदर, जिसमें हमारी जितनी भी कास्टें हैं उन सबको जो है वो डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, जो हम नहीं होने देंगे, एक भाई से दूसरे भाई को नहीं लड़ने देंगे। प्रोटेस्ट है सर, वो प्रोटेस्ट है कि
सरकार जेड़ी है ए इस बिल दी उत्थे ल्याए पार्लीमेंट च ल्याए पार्लीमेंट च ल्याइए तो इस बिल दी पास करे कि ये रिजर्वेशन जेड़ी एज इट इज़ रहेगी। ईवन कि साड़ी डिमांड है इसी थोड़ा बधाया जाए क्योंकि अज साडे लोग जेड़े ना वो ज़्यादा पढ़ी लिखी गए ना एस सी एस टी जेड़ी फोरम है उन्होंने दी दी है असीं उनका सपोर्ट करा गए। अपने घर बाहर निकलो तो इस बंद की कॉल की जो पूरी तरह सपोर्ट करो तो अपने बच्चे का फ्यूचर बचाई लो।